2 साल मैंने ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही परिश्रम के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैंने तैयारी की। और फाइनली जब मैंने पहला एग्ज़ाम लिखा, जब मैं एज के हिसाब से एलिजिबल हुआ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सिविल सर्विस क्रैक किया। और मेरी रैंक उस वक्त ऑल इंडिया रैंकिंग 165 थी। उस बार मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ था और मैंने उसको ज्वाइन किया। लेकिन साथ ही साथ मैं तैयारी बाकी करता रहा। ये जो समय था, उस समय मैं न केवल IAS का एग्जामिनेशन लिख रहा था बल्कि मैं स्टेट PCS और बाकी सारी सर्विसेज लिख रहा था। एक चीज़ जो रही, जो मुझे हमेशा याद आती है, कि मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग थी और इस तरीके से मैंने तैयारी की थी कि उस वक्त मैंने लगभग 8 से 10 एग्जामिनेशन लिखे और कोई भी ऐसा रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं था। मैंने NDA का एग्जामिनेशन लिखा और NDA में क्वालीफाई किया। मैंने CDS लिखा, CDS क्वालीफाई किया। UGC क्वालीफाई किया। PCS का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने PCS में क्वालीफाई किया। IAS का फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालीफाई किया। मैंने इनफैक्ट पुलिस का एग्जामिनेशन लिखा जिसमें सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन होता है, और उसको भी मैंने क्वालीफाई किया। लेकिन फाइनली जब मैं IAS के फर्स्ट अटेम्प्ट में आ चुका था तो मैंने इसको ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर मैं अपने प्राइमरी गोल, यानी जो मेरा टारगेट था IAS, उसकी तैयारी में करता रहा। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर जो मेरा था उसमें मैंने एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी रखी थी। और साथ ही साथ, चूंकि अगर आप याद हो, 95 के आसपास ग्लोबलाइजेशन का बड़ा जोर पकड़े हुए था और सभी लोग कंप्यूटर की तरफ भाग रहे थे, तो मैंने कंप्यूटर के लिए भी मैंने ट्राई किया कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूं। बट मेरा मन कंप्यूटर में पता नहीं क्यों समाव लग नहीं रहा था। और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर रिजल्ट जब BA फर्स्ट ईयर का है तो मैं ऑलमोस्ट टॉपर में से था। उसी समय मैंने ठान लिया था कि मैं अभी कंप्यूटर वगैरह नहीं करूंगा और मैं उसको छोड़ करके, आधा कोर्स ही बीच में छोड़ करके वापस आ गया। BA सेकेंड ईयर से मैंने यूनिवर्सिटी में क्लासेस में कुछ कम करता था और घर पर रह कर के ही जो प्रिपरेशन थी वो करता था। शाम को हमारा ग्रुप डिस्कशन होता था, कई हम लोगों के जितने भी 7-8 फ्रेंड्स सेम एंड लाइक माइंडेड थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे। आज सब जगह, आज सभी बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, तो हम लोगों ने शाम को 1-1.5 घंटा पक्का कर रखा था कि ग्रुप डिस्कशन करूँगा। और लगभग 11-12 घंटे की पढ़ाई तो रेगुलर होती थी और एग्जामिनेशन में पढ़ाई करीब 15-16 घंटे के आसपास पहुँच जाती थी। चूँकि ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री एक एज एन ऑप्शनल रखना मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी जो कि रखना ही था। ज्योग्राफी मैंने रखी थी और हिंदी लिटरेचर को भी बाद में मैंने पढ़ाई की और उसको भी मैंने रखा। तो इस तरीके से एक ये सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए शुरुआत में, चूँकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके हिसाब से बुक्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और वहाँ जितने लोग रहते थे मेरे आसपास के लोग, वो सभी हिस्ट्री में ही पढ़े लिखे थे, इसलिए उसके हिस्ट्री के लिए किसी कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ज्योग्राफी के लिए मैंने मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो हमारे डिपार्टमेंट के HOD भी रहे, श्री शिव सागर ओझा जी, उनके पास मैंने पर्सनल कोचिंग ली और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया इन सब चीज़ों के बारे में, इंट्रिकेसीज के बारे में। तो वो एक अच्छी तैयारी का वो रहा। GS मैं रेगुलर क्रॉनिकल लेता था और ग्रुप डिस्कशन जैसे मैंने बताया आपको वो करता ही था। तो एक डेडिकेशन के साथ जो हार्डवर्क हुआ, वो मुझे लगता है कि मुझे 2-3 साल के अंदर मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा हो गया था कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि मैं कोई भी एग्जामिनेशन लिखूंगा तो रिटन एग्जामिनेशन में कहीं मुझे कोई रोक नहीं सकता। और यही हुआ। फाइनली मैंने 4 अटेम्प्ट दिए UPSC में IAS के लिए और 4 के 4 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट भी हुआ।